देखिएगा, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब एग्जाम्पल पर आते हैं। सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझिएगा, 2012 का लॉन्ग क्वेश्चन था ये और 2017 का लॉन्ग क्वेश्चन था। पहले क्या होता था, एक्स वाई वाले जो कर्व थे वो भी कोर्स में थे, अब एक्स वाई वाले कर्व कोर्स से हट चुके हैं, लेकिन दो बार ये लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है। अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन में देखिएगा, ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व वाई इक्वल टू ए लॉग एफ एक्स अपॉन ए। जो पार्टिकल है वो हमारा कर्व में मूव कर रहा है, उस कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें वाई इक्वल टू ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए। आंसर में सबसे पहले उठा लेते हैं, कर्व इज वाई इक्वल टू ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए, ये हमारा कर्व हो गया है। अब आगे देखिएगा, इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली। अब जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, गिवन दैट में क्या है, द टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ मेन बात है, ये अभी तक किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुई है, द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली। जो हमारा कर्व है उसका जो टेंजेंट है रोटेट्स यूनिफॉर्मली। अब हमें इसमें बीएससी पार्ट वन के कर्वेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है उसका एंगल साई से दिया जाता है। तो यानी कि साई जो रोटेट हो रहा है यानी कि साई जो घूम रहा है उसकी रेट कांस्टेंट है, और रेट यानी कि डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब है डी साई अपॉन डी टी। तो जो जैसे जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी होती है, उसी तरह से ये कह रहा है कि डी साई अपॉन डी टी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि साई जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगली लाइन में यही बना रहा हूँ, Given that the tangent to curve rotates uniformly, तो d psi upon dt is equal to k, और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा constant। जिस तरह से डी थीटा अपॉन डी टी क्वेश्चन में चल रहा था, तो यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी की जगह डी साई अपॉन डी टी है, यानी कि टेंजेंट के रोटेट होने की जो रेट है वो कांस्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर, प्रूव दैट रिजल्टेंट एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, रिजल्टेंट एसिलेशन। अब इस समय हम एक्स वाई यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो एक्स डायरेक्शन का एसिलेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आपको चाहिए, वाई डायरेक्शन का एसिलेशन आपको डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उनके बीच में फिर पाइथागोरस लगा दी जाएगी और हमारा रिजल्टेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मुझे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लेने जाना है, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर लेने जाना है। फिर आगे कहता है, वेराइज स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर अब मुझे बीएससी पार्ट वन का यूज़ करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर वन का डिफ्रेंशिएशन करके रेडियस ऑफ कर्वेचर की तैयारी करता हूँ, उसके बाद मैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तैयार करूँगा, और फिर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर तैयार करूँगा। अब मेरे यहाँ पास ये तीन डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मेरे पास हो गई है तैयार करने के लिए। अब देखिएगा, बाय इक्वेशन वन डी वाई अपॉन डी एक्स, ए लॉग का होगा पहले, सेक एक्स अपॉन ए हो जाएगा, सेक का हो जाएगा फिर सेक एक्स अपॉन ए टेन एक्स अपॉन ए, फिर एक्स अपॉन ए का ए से ए कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू हो गया टेन एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उसकी वैल्यू टेन एक्स अपॉन ए आ गई है। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाता है वन अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। अब बी एस सी पार्ट वन का फार्मूला लगा दीजिएगा, चूंकि रो इजिकल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वैल्यू डालिएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर आप करेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर हो जाएगी, पावर थ्री बाई टू है तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स अपॉन ए, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वन अपॉन ए सेक क्यूब सॉरी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। अब यहाँ से वैल्यू तैयार करके रख लीजिएगा, रो इज इक्वल टू आ जाता है ए सेक एक्स अपॉन ए।
यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी आ चुकी है, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत मुझे सबसे लास्ट में पड़ेगी इक्वेशन नंबर 3 की, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो एसिलेशन प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग जो है वो वेराइज करता है। अब देखिएगा, अब मैं एसिलेशन लेने चलता हूँ। अब एसिलेशन के लिए मुझे d2x / dt² चाहिए, d2y / dt² चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 का आप डिफरेंशिएशन जो है वो t के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा dψ/dt = k है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रिलेशन है ये x और y का रिलेशन है, मुझे रिलेशन को t पे लेकर के जाना है। अब मैं BSc पार्ट 1 का फार्मूला यूज करता हूँ, डी है tan ψ = dy/dx था, dy/dx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से ले आइएगा, y इक्वेशन 2 tan ψ की वैल्यू हो जाती है tan x/a, tan हटा दीजिएगा, ψ = x/a। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है x = kψ। देखिएगा, x का रिलेशन ψ से आ चुका है, x = kψ हो गया है। अब यहाँ से dx/dt अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा dψ/dt हो जाएगा। अब देखिएगा, dψ/dt की वैल्यू k है, तो ये हो जाएगा ka, और ब्रैकेट में आ चुका है cos tan। अब अगला डिफरेंशिएशन पर करने जाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2x/dt² = 0, क्योंकि k भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो यानी कि इसका मतलब है x डायरेक्शन में हमारा कोई एसिलेशन नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा, x/a पड़ा हुआ है, x की वैल्यू ये डालिएगा, पुट x = a ψ in equation 1, तो y = हो जाता है a log sec ψ। अब यहाँ से dy/dt निकालिएगा, dy/dt a हो जाएगा, और 1/ में sec ψ आएगा, sec ψ का होगा फिर sec ψ × tan ψ होगा, और ψ का फिर dψ/dt होगा, ये कट जाएगा। tan ψ की वैल्यू, तो tan ψ ऐसा कैसे रहेगा, dψ/dt की वैल्यू आप k डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है ka और tan ψ। एक डिफरेंशिएशन और कर दीजिएगा, d2y/dt² के ए, ये हो जाता है sec² ψ, और ψ की वैल्यू दोबारा डाल दीजिएगा dψ/dt, dψ/dt की वैल्यू फिर k डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है k² a sec² ψ। ये d2y/dt² आ चुका है। अब लगा दीजिएगा acceleration = √ d2x/dt² / d2y/dt² / अब d2x/dt² की तो वैल्यू 0 है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा k² a sec² ψ। लेकिन आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में लाना है। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में sec x/a पड़ा हुआ है, और यहाँ देखिएगा x = a ψ है। अब ये फिर दोबारा यहाँ से डाल दीजिएगा, क्योंकि ψ = x/a, तो ये acceleration = आ जाता है k² a sec² x/a। अब ये वैल्यू डाल दीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर की, a sec x/a की वैल्यू रो है, तो ये हो जाता है k² रो, और ब्रैकेट में लिख देते हैं use equation 3। इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। अब k² कांस्टेंट से हटा दीजिएगा, तो यहाँ से आ जाता है acceleration = ρ। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि कर्व के पर जो पार्टिकल कर्व पर चल रहा होगा उसका जो एसिलेशन होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रपोर्शनल होगा। अब ये देखिएगा, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, जो बाकी के एग्जाम्पल आपके बचेंगे वो होमवर्क में चले जाएंगे, लगभग 2 दिन में एग्जाम्पल जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर आठ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले जो एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें सिंपली डील कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई विशेष नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही है। अब यहाँ देखिएगा, इफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कंडीशन दे रखी है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, दो पार्ट है,
शो दैट द पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल, तो प्रूव करके दिखाना है कि जो पाथ होगा वो इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा। स्पाइरल की जो इक्वेशन होती है वो e टू दी पावर की फॉर्म में होती है। अब देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, सेकंड बाद में देखेंगे। गिवन हमें दे रखा है रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी हो गया, प्रोपोर्शनल टू हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट डाल दीजिएगा के आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसे इक्वेशन नंबर वन डाल दीजिएगा। जब मैं सेकेंड पार्ट करने जाऊँगा तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से डी टी हमारा कैंसिल हो जाता है तो डी आर अपॉन आर इक्वल टू हो जाता है के डी थीटा। आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा लॉग आर बी सी इक्वल टू के थीटा प्लस लॉग कॉन्स्टेंट ए डाल दीजिएगा बी सी आर इक्वल टू ए ई टू दी पावर के थीटा। अभी हमारा पहला रिजल्ट तैयार है, विच इज इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो ये जो है हमारा इक्विएंगुलर स्पाइरल है, विच इज इक्विएंगुलर स्पाइरल, ये स्पाइरल प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट की कंडीशन देखिएगा। सेकंड पार्ट में इफ इन एडिशन यानी कि जो कंडीशंस आपको पहले दी गई हैं उसी में और कंडीशन ऐड कर दीजिएगा। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एसिलेशन आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब अगली कंडीशन ये दे रखी है कि रेडियल और ट्रांसवर्स एसिलेशन जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अब दे रखा है रेडियल एसिलेशन प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एसिलेशन। अब यहाँ देखिएगा शो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेराइज एज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। यहाँ पर सो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर वेराइज छूट गया है मेरे से, वेराइज एज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। अब देखिएगा उसने हमसे ये पूछा है, हमसे ये प्रूफ करने के लिए कहा है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है वो रेडियस वेक्टर की किसी पावर के अकॉर्डिंग जो है वेराइज होती है, यानी कि वेलोसिटी रेडियस पावर की किसी पावर के रेडियस वेक्टर की किसी पावर के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब वेलोसिटी दो तरह की होती है, रेडियल वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब इक्वेशन नंबर वन जो है इधर इसमें रेडियल वेलोसिटी पड़ी है, इधर ट्रांसवर्स वेलोसिटी पड़ी है। अगर देखिएगा आपको डी आर अपॉन डी टी मिल जाता है तो आर डी थीटा अपॉन डी टी बन जाएगा, या आर डी थीटा अपॉन डी टी मिल जाता है तो डी आर अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा। अब आप तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स एसिलेशन के प्रोपोर्शनल है, उसका यूज़ करने के बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा और किसी डी आर अपॉन डी टी या डी थीटा अपॉन डी टी में से किसी एक पर अपना माइंड का कंसंट्रेशन लगा दीजिएगा। यानी कि सपोज कर लीजिएगा हम डी आर अपॉन डी टी निकालने जा रहे हैं, तो डी आर अपॉन डी टी हम निकालने जा रहे हैं तो ये समझिएगा कि डी थीटा अपॉन डी टी हम इसमें से रिमूव करते चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसका इक्वेशन वन का बार बार यूज़ करूँगा। यहाँ रेडियल एसिलेशन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लैम्डा डाल देता हूँ यहाँ पर, और ये हो जाता है ट्रांसवर्स एसिलेशन, तो ये हो जाता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाता है लैम्डा अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ मैं सारा कैलकुलेशन इस तरह से करूँगा, मैं डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो जितनी जगह भी डी थीटा अपॉन डी टी है उसे रिमूव करते चले जाइएगा। यानी कि बाई इक्वेशन वन डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाती है वन अपॉन के आर हो जाएगा और डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा डी थीटा अपॉन डी टी की। अब यहाँ देखिएगा ये बन जाता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर, यहाँ होल स्क्वायर है तो वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर कैंसिल हो जाएगा अपॉन आर, और ये हो जाता है डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लैम्डा अपॉन आर है डी अपॉन डी टी है आर स्क्वायर है डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू जब आप डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर अपॉन के हो जाएगा और डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बन जाता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ एक काम करिएगा ये आर डिनोमिनेटर में चले इसे अभी बाद में लेकर के आएंगे, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब ये लैम्डा अपॉन के आर बाहर आ जाता है, के तो कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिएगा दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, ये हो जाता है आर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, और दूसरी टर्म हो जाएगी डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हो जाती है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। लैम्डा अपॉन के आर को अंदर लेकर के चलिएगा
तो ये लैम्डा अपॉन के हो जाता है, अब ये हो जाता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और प्लस आगे चलिएगा लैम्डा अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म लिखेगा, वन माइनस लैम्डा अपॉन के डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाता है, इसे इधर ले जाइएगा तो यहाँ पर लैम्डा अपॉन के हो जाएगा प्लस वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाता है वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी। अब ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर है ना, इसे इधर ले जाइएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डाल दीजिएगा डी आर अपॉन डी टी, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो लॉग आने वाला है ये, और ये हो जाता है लैम्डा अपॉन के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ वन माइनस लैम्डा अपॉन के, और ये हो जाता है वन अपॉन आर, और डी आर अपॉन डी टी इधर आ चुका है। लैम्डा के दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कांस्टेंट होती है, यहाँ कुछ और मान लीजिएगा लैड लैम्डा अपॉन के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर वन माइनस लैम्डा अपॉन के इक्वल टू कुछ मान लीजिएगा एन, एन मान लो, एम मान लो, इसका कोई मतलब नहीं है, पावर को बस डिनोट करना है, तो इसलिए एन थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाती है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ डी आर अपॉन डी टी बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एन अपॉन आर, और यहाँ पर एन अपॉन आर आपका बन चुका है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग log dr upon dt इक्वल टू हो जाएगा n log r प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ log b डाल दीजिएगा, तो यहाँ से dr upon dt इक्वल टू हो जाता है b r टू दी पावर n। ये dr upon dt की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से dr upon dt, ये dr upon dt आ चुका है, तो ये हो गई है मेरी रेडियल वेलोसिटी। आप देखिएगा बाई इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में देखिएगा, ये है आर डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ पर हो जाता है वन अपॉन के, ये इधर आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है बी आर टू दी पावर एन, ये आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ जाती है। अब आप फार्मूला लगाने वाले हैं वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। अब तो यहाँ से बी आर टू दी पावर एन कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर, सारे कॉन्स्टेंट यहाँ से आप छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से आपका आ जाता है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर एन। और देखिएगा इस तरह से प्रूव हो चुका है कि जो वेलोसिटी का मान है वो रेडियस वेक्टर की किसी पावर के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर एन जो है कोई कॉन्स्टेंट पावर का काम कर रही है। अब देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 है, ए स्मॉल बीड बी ई ए डी, जो बीड होता है उस बोर्ड का हिंदी में मतलब होता है मन का, जैसे मोलियों की मोती की माला होती है उसका मन का, यानी कि एक मोती यहाँ पर एक पार्टिकल से है जिस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो बीड का मतलब वैसे तो मन का होता है लेकिन आप इसे पार्टिकल की तरह से ले लीजिएगा। अब यह है स्मॉल बीड स्लाइड विद कॉन्स्टेंट स्पीड बी, अब यहाँ देखिएगा कॉन्स्टेंट स्पीड भी, स्पीड कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे स्पीड कहते हैं, और वेलोसिटी के हमारे दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट और एक एसिलेशन कंपोनेंट, तो जब उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो हमें करना पड़ेगा अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, और वो कॉन्स्टेंट है और उसकी वेलोसिटी हम वैल्यू जो है वो भी हमें दे रखी है। ऑन ए स्मूथ वायर इन द फॉर्म ऑफ कार्डाइड, अब इक्वेशन आपकी कार्डाइड का इक्वल टू a1 plus cos theta, show that the value of d theta upon dt is b upon 2a sec theta by 4। तो अब हमें दे रखा है कि जो वेलोसिटी है d theta upon dt प्रूव करना है वो b upon 2a sec theta by 2 प्रूव करना है, and the radial component of acceleration is constant, और जो acceleration का radial component है यानी कि radial acceleration वो प्रूव करना है constant, तो दो वैल्यू हमें प्रूव करनी है, एक d theta upon dt प्रूव करना है और एक radial acceleration की वैल्यू constant प्रूव करनी है। और given that में देख लीजिएगा, given that speed v is constant, v का differentiation आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस
ट्रांसफर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर बन जाता है अंडर रूट ये डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर वन। अब देखिएगा डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी में मुझे रिलेशन चाहिए। अब कर्व उठाइएगा, कर्व इज आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा आर इज इक्वल टू टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, आर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू ए होगा माइनस का टू कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, टू माइनस का टू कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू हो जाएगा और वन बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल होगा तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू में मिलेगा हमें माइनस का टू ए साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब ये आर की वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन नंबर वन में डालिएगा बाय इक्वेशन वन, अंडर रूट डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाता है फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस। अब यहाँ देखिएगा आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हो जाता है, हाँ एक चीज़ मेरे से गलत हो गई है, डी आर अपॉन डी टी की जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साथ में ये और आएगा डी थीटा अपॉन डी टी मेरा रह गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू जो है वो बी है। अब यहाँ देखिएगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू है, यहाँ पर r d थीटा, यहाँ भी मेरे से ये देखिएगा गलत हो गया है, यहाँ पर ब्रैकेट मेरे से गलत लग गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा cos की पावर हो जाएगी 4। अब यहाँ से 4 कॉमन 4 a स्क्वायर बाहर आएगा तो 2a हो जाएगा cos थीटा बाई टू हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई टू और डी थीटा अपॉन डी टी भी कॉमन है ये बी बन जाता है। अब ये वैल्यू तो हमारी वन हो गई है तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू बन चुका है बी अपॉन टू ए कॉस थीटा बाई टू। देखिएगा पूरी वैल्यू पहली वैल्यू जो है वो प्रूव हो चुकी है, अब डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी प्रूव हो चुकी है। अब आप रेडियल एक्सेलरेशन लेने चलिएगा जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की और ये डी थीटा अपॉन डी टी की भी जरूरत पड़ेगी आर की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा डी आर अपॉन डी टी तो हो चुका है, नाउ डी आर अपॉन डी टी यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा ये है माइनस का टू ए साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है बी अपॉन टू ए कॉस थीटा बाई टू, टू ए से टू ए कैंसिल हो जाता है यहाँ से तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाती है माइनस बचेगा आपके पास साइन थीटा बाई टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा और बी को स्टार्टिंग में रख देता हूँ। अब एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएशन करिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर है माइनस का बी बाहर रखिएगा, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा यानी कि वन अपॉन टू कॉस थीटा बाई टू स्क्वायर पहले से ही कॉस क्यूब थीटा बाई टू हो जाएगा है ना। आप कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप माइनस को बाहर है प्लस का साइन थीटा बाई टू हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू और वन बाई टू और बाहर ये लिखना मत भूलिएगा डी थीटा अपॉन डी टी चूँकि डिफ्रेंशिएशन आप टी के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ देखिएगा यहाँ तो दो से दो जो है हमारा कैंसिल हो जाता है दो से दो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर वन अपॉन टू तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मेरे से फिर देखिएगा ये पावर का दो आ गया है ये हो जाता है तो यहाँ से हो जाता है माइनस का बी वन अपॉन टू कॉस क्यू थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और बाहर डी थीटा अपॉन डी टी पड़ा हुआ है तो ये वैल्यू हो जाती है बी अपॉन टू ए कॉस थीटा बाई टू तो यहाँ से डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर देख लीजिएगा डी टू आर अपॉन डी स्क्वायर यहाँ देखिएगा माइनस आएगा डी स्क्वायर आ जाएगा
माइनस टू ए ये है, टू ए ये है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन फोर ए बन जाता है, कॉस यू थीटा बाई टू है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा और यहाँ पर हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन टू ए आ जाता है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे तीन वीडियो से लगातार डिफरेंशिएशन की ही सारी कहानी चल रही है, डिफरेंशिएशन ही डिफरेंशिएशन कर जाओ, इंटीग्रेशन तो कभी कभी आ रहा है। अब यहाँ से डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ चुका है, अब मैं लेने जाता हूँ रेडियल एसिलेशन, रेडियल एसिलेशन में डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिएगा, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर ए है, कॉस क्यू थीटा बाई टू है, प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू ए है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस आर की वैल्यू डाल दीजिएगा, ये पड़ेंगी है टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, होल स्क्वायर है तो ये हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बन चुका है, तो ये बन जाता है माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर ए कॉस टू थीटा बाई टू, और यहाँ से देखिएगा कॉस की पावर दो बन गई है, डी बी अपॉन डी टी है, और आर की वैल्यू में भी टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू था, तो ये बन जाता है प्लस का वी स्क्वायर अपॉन टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये हो जाता है माइनस का टू कट जाएगा, ये हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन टू ए बन जाता है, और कॉस की पावर चार थीटा बाई टू बन जाती है। यहाँ पर कॉस की पावर चार थीटा बाई टू बन चुकी है, और यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पर कॉस क्यू ये टर्म आपस में वी स्क्वायर अपॉन टू ए है, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन टू ए है, तो यहाँ से अब हम ये करते हैं माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर ए कॉस क्यू थीटा बाई टू, इसमें से हम माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन टू ए है, यहाँ ये प्लस का माइनस का वी स्क्वायर अपॉन टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वैल्यू बन जाती है हमारी। अब यहाँ से बन जाता है माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर ए कॉस क्यू थीटा बाई टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये फार्मूला हमारा कॉस थीटा का बन जाता है। अब ये फार्मूला हमारा कॉस थीटा का बन चुका है, अब देखिएगा टर्म अभी एडजस्ट नहीं हो रही है यहाँ पर, अब यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन कॉस क्यूब थीटा है दोनों में, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर ए कॉमन लेता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉमन लेता हूँ, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन फोर ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलता है कॉस थीटा बाई टू, यहाँ से तो कॉस थीटा बाई टू मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का टू पड़ा हुआ है तो यहाँ प्लस का टू कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पर ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू प्लस, ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास कॉस थीटा बाई टू। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू टू, और ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा बाई टू को तोड़ सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन बन चुका है। अब यहाँ पर वैल्यू जो है आपस में कट नहीं रही है, मैं जरा चेक करता हूँ कि माइनस में कोई मिस्टेक हुई है क्या, ये देखिएगा आर्टिकल शुरू से ही गलत हो गया है, प्रूफ दैटी पे ही मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ देखिएगा टू ए कॉस थीटा बाई टू है, टू ए तो नीचे चला जाएगा लेकिन कॉस थीटा बाई टू जब नीचे आएगा तो यहाँ देखिएगा ये सारी मेहनत में मेरी पानी फिर गया है, ये सेक थीटा बाई टू है। अब मैं इसे सही करने जाता हूँ, नाउ डी आर अपॉन डी टी में ये सेक थीटा बाई टू है,
अब यहाँ sec थीटा बाई टू है, यहाँ पर cos थीटा बाई टू है, तो माइनस का b बन जाता है, cos थीटा बाई टू से sec थीटा बाई टू कट जाते हैं। देखिएगा सिंपल बनने वाला है, मैं यहीं पर इसे रब कर देता हूँ। अब देखिएगा कितनी सारी एक गलती होने से कितनी सारी मेहनत का पानी फिर जाता है। थोड़ा सा ध्यान हटा और क्वेश्चन गलत हो गया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी आ जाएगा, अपॉन में टू आ जाएगा, कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो जाता है माइनस का बी अपॉन टू हो जाता है, कॉस थीटा बाई टू हो जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू देख लीजिएगा ये हो जाती है बी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू, ये भी इससे कैंसिल हो जाता है। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ चुका है। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन बनता है हमारा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो ये तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए है, माइनस आर की वैल्यू डाल दीजिएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है और डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डाल दीजिएगा, ये हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ये कैंसिल हो जाता है माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए और यहाँ बचता है माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ए भी कट जाता है टू ए, तो ये हो जाता है माइनस थ्री अपॉन फोर बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी देखेगा बी कॉन्स्टेंट हमें गिवन है तो ये जो वैल्यू है मेरी कॉन्स्टेंट प्रूव हो जाती है। अब देखेगा कितनी जल्दी सवाल हो जाता है, लेकिन एक गलती अगर मैंने करी थी तो क्वेश्चन आगे तक चला गया था, है ना। आप इस क्वेश्चन को आप यहीं से इस तरह से ही सही कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। कैलकुलेशन जब अलग करते हैं अकेले करते हैं तो गलती हो ही जाती है। ये देखिएगा एग्जांपल नंबर 10 है, ए पॉइंट मूव ऑन ए पैराबोला 2a इक्वल टू r 1 प्लस cos थीटा इन सच ए मैनर दैट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हां ध्यान दीजिएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल टू रेडियस वेक्टर फ्रॉम द फोकस a इज कांस्टेंट। आपको सिखाया गया है कि जो वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के कंपोनेंट परपेंडिकुलर होती है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है, और वो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। पहली शर्त, शो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, और प्रूव करके दिखाना है कि एक्सीलरेशन जो होगा यानी कि अंडर रूट रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का स्क्वायर वो कांस्टेंट होना चाहिए। दो बार मुझे डिफरेंशिएशन करके अपनी वैल्यू को प्रूव करना है। अब देखिएगा सबसे पहले आंसर में गिवन ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा कांस्टेंट, तो यहां से r d थीटा अपॉन dt की वैल्यू k बन जाती है, तो g थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू बन जाता है k अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा यहां से d थीटा अपॉन dt आपको मिल चुका है, आप कर्व उठा लीजिएगा, कर्व इज 2a इज इक्वल टू r 1 प्लस cos थीटा, 2a इज इक्वल टू r इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल है, तो r इज इक्वल टू बन जाता है r इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां r की वैल्यू बन चुकी है पुटिन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 डाल दीजिएगा, पुटिन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर या इक्वेशन नंबर 1 बाद में डाल देंगे। अब यहां से डिफरेंशिएशन करते हैं, dr अपॉन dt करिएगा, ये हो जाएगा 2a sec थीटा बाय 2 हो जाएगा इनटू sec थीटा बाय 2 हो जाएगा, पावर का हुआ फिर sec थीटा बाय 2 इनटू tan थीटा बाय 2 1 अपॉन 2 d थीटा अपॉन dt, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है dr अपॉन dt इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा बाय 2, इसे ऐसे रखिएगा, यहां से वैल्यू r में लेकर के चलेंगे डिफरेंशिएशन बड़ा होता है, क्वेश्चन को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये ए sec स्क्वायर थीटा बाय 2 है, अब यहाँ dr अपॉन dt, dr अपॉन dt की वैल्यू में ए sec स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिएगा अगर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है तो ये बनता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1।
और यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी। अब आप यूज कर दीजिएगा यूज इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज कर लीजिएगा, ये आपको डी आर अपॉन डी टी मिलता है। डी आर अपॉन डी टी में ये देखिएगा वैल्यू आपकी आर है अंडर रूट। अब यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की वैल्यू आपको आर अपॉन ए मिलेगी, आर अपॉन ए माइनस वन है, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी के अपॉन आर है, इनटू में के अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू बन जाता है के अपॉन अंडर रूट ए आर माइनस ए का अंडर रूट। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट ए आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन टू आर माइनस ए टू की पावर माइनस हाफ, और यहाँ पर दोबारा वैल्यू डी आर अपॉन डी टी बन जाएगी, तो ये हो जाता है के अपॉन टू अंडर रूट ए आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट आर माइनस ए। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दोबारा रखिएगा, तो ये हो जाता है के अपॉन अंडर रूट ए अंडर रूट आर माइनस ए, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाती है, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू में बन जाता है हमारा के स्क्वायर अपॉन टू ए, वो वैल्यू हमारी कट चुकी है। अब देखिएगा, अब मुझे दो वैल्यू दो एसिलेशन चाहिए, सबसे पहले मैं लेने चलता हूँ रेडियल एसिलेशन। रेडियल एसिलेशन में डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, डी टू आर अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर अपॉन टू है माइनस आर, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू फिर दोबारा से देख लीजिएगा के अपॉन आर पड़ी हुई है, तो ये हो जाता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन टू ए माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। ये रेडियल एसिलेशन आ चुका है, ट्रांसफर एसिलेशन में चलिएगा, वन अपॉन आर है डी अपॉन डी टी है, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी है, तो वन अपॉन आर है डी अपॉन डी टी है, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू डाल दीजिएगा, के अपॉन आर हो जाती है, एक आर से आर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर के अपॉन आर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू वापस डाल दीजिएगा के अपॉन आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू में है के अपॉन अंडर रूट ए, और यहाँ हो जाता है अंडर रूट आर माइनस ए। अब आपका फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसफर एसिलेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाता है के स्क्वायर अपॉन टू ए माइनस के स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर बन जाता है, प्लस यहाँ देखिएगा के स्क्वायर तो के की पावर चार बन जाएगी, ये आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आर माइनस ए बन जाता है। आप देखिएगा यहाँ से के स्क्वायर जब मैं बाहर लूँगा पूरे में से एक तो के स्क्वायर आप बाहर ले लीजिएगा, के स्क्वायर आप बाहर ले लेते हैं तो अंडर रूट में बन जाता है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये बन जाता है आर माइनस टू ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाता है बेटा स्क्वायर फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाता है, और प्लस यहाँ पर बन जाता है हमारा आर माइनस ए अपॉन ए आर स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू बन जाती है, आर माइनस ए है। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से भी आर स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं, तो के स्क्वायर बाहर ले लिया है, आर स्क्वायर का आर बाहर ले लिया है, और ऐसे करता हूँ यहाँ फोर ए स्क्वायर है, अब फोर ए स्क्वायर का ए भी बाहर ले लेता हूँ, ए भी बाहर ले लेता हूँ, तो अंडर रूट में यहाँ चार भी बाहर ले लेता हूँ तो टू भी बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आर माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर एक तो चार से मल्टीप्लाई होगी और एक ए से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा फोर ए आर माइनस ए, अब ये हो जाता है के स्क्वायर अपॉन टू ए आर अंडर रूट, ये आर की पावर फोर हो जाएगा प्लस फोर ए की पावर फोर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर या होल स्क्वायर, सॉरी ये गलत खुल गया है, ये आर स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए आर, अब यहाँ प्लस का फोर ए आर है और माइनस का फोर ए स्क्वायर है, फोर ए आर कैंसिल हो जाता है, फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है के स्क्वायर अपॉन टू ए आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाता है,
और ये वैल्यू बन जाती है के स्क्वायर अपॉन टू ए, एंड ब्रैकेट में आ जाता है कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो रिजल्टेंट एसिलेशन है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर आपने देखा कि जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन से थोड़ा सा छोटी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। एग्जाम्पल नंबर 10 तक आप इन्हें निपटा दीजिएगा पीछे के, अब कल के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे।